आप एमआरपी पे डिस्काउंट देख रहे हैं, ये आपका मार्जिन है जो उन लोगों को मिल जाता है जो मीडिएटर्स होते हैं, अब ये आपके लिए है। और अगर इसको आप चैनलाइज करते हैं, यूज और प्रमोट करते हैं, तो आप इसमें बहुत सारी इनकम्स को जनरेट कर सकते हैं। विल सिट टुगेदर एंड डिस्कस विद दैट, जिन लोगों के साथ आप आए हुए हैं, जिन्होंने आपको रेफर किया है, वो एक बिजनेस प्लान आपको शेयर भी करेंगे इसके रिगार्डिंग। और हमारे बिजनेस प्री लॉन्च में था, 3 से 4 महीने पहले प्री लॉन्च में था, और इस प्री लॉन्च की स्टेज में ही बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो एक लेवल को अटेंड कर चुके हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके 1000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं। एक जोरदार क्लैप उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत करी। आज हमारा लॉन्च है और प्री लॉन्च में ही हमारे पास बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी लाइन अप हो चुके हैं। तलाश एक शब्द है, अगर तलाश हमारी खत्म हो जाए और सही चीज हमें मिल जाए तो हमें कामयाबी पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की मैं बात करूं तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नॉर्म्स को बना दिया है, जिसके तहत कंपनी ने इन सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक बिजनेस प्लान को बनाया है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई बताने के लिए, आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज अगेन मिस्टर रविंदर यादव। वो आपको कुछ बिजनेस की बातें बताएंगे और उन लीडर्स से मिलवाएंगे जो सिर्फ इस प्री लॉन्च के टाइम पे ही हमारी बहुत सारी रिकग्निशंस को अपने लीडरशिप के द्वारा अचीव कर चुके हैं। आप उन सब लोगों से मिलना चाहेंगे? प्राउडली मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस प्री लॉन्च के दौर में ही हर्बल वुड्स ने 11 स्टेट्स में लगभग 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने लेवल्स अचीव करवा दिए हैं। मैं आज इस पोडियम से तालियां हो जाए प्लीज एक और बार। मैं इस पोडियम से आपको एक मैसेज, विद इन 6 मंथ्स हमारा एक और फंक्शन होने जा रहा है जो द्वारका में ही होगा, वो डायमंड्स एंड अबव मीट होगी, और वो पहले से ही प्री बुक में चल रही है, ऑलरेडी लोग लिस्टेड हो चुके हैं जो एक लेवल्स को अचीव कर चुके हैं उस मीट के लिए। तो ये एक बहुत शुरुआती दौर है और बहुत एक अच्छा दौर है, ट्रेन चल चुकी है, सबने अपनी अपनी सीट्स को ले लेना है एक तरक्की के रास्ते के लिए। तो मैं रविंद्र यादव जी से कहूंगा कि वो आगे आए और आगे का डिस्कशन लें।